हमारी मांग यही है कि जिस प्रकार से निरंतर कई वर्षों से हमारी आरती यहाँ पर चली आ रही है, जिस पर 24 तारीख को हमारे पुजारी नीरज तिवारी को चीता 19 के माध्यम से यहाँ से गाड़ी पे बैठा के नया घाट चौकी ले जाया गया। हमें सूचना मिलते ही तत्काल मैं नया घाट चौकी पहुँचा, जहाँ पर सीओ साहब और आरएम साहब, चौकी इंचार्ज महोदय, सभी लोग मौजूद थे। उधर भी आना, आरएम साहब ने हमसे कहा कि आपकी आरती कब से चल रही है, तो हमने कहा कि श्रीमान जी हमारी आरती तो हमें खुद नहीं जानकारी कितने वर्षों से चल रही, क्योंकि तीर्थ पुरोहित समाज आरती को चलाता चला आ रहा, जिसके 3 अध्यक्ष स्वर्गवास हो चुके हैं। उनके स्वर्गवास हो जाने के बाद इस तीर्थ पुरोहित समाज ने और यहाँ के व्यापारी बंधु ने हमको जो है इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया, जिसका 11 वर्ष से मैं निरंतर आरती करता चला आ रहा हूँ, जो हमारी एक रजिस्टर्ड संस्था है। उन्होंने कहा कि आप तत्काल प्रभाव से अपनी आरती को बंद कर दीजिए और अपना सामान टंट घंट यहाँ से उठा लीजिए, वरना मैं प्रशासन के माध्यम से आपका गेट वगैरह, आरती का सामान सब उठवा ले जाएंगे। इस बात से लेकर के हमारी कमेटी बहुत दुखी हुई और हम कमेटी के सभी लोग मिल जा कर के रात्रि को 11 बजे मेयर साहब से मुलाकात किया। मेयर साहब ने तत्काल प्रभाव से सीओ साहब को फ़ोन किया कि आप ये प्राचीन आरती है और आरती स्थल पर आप किसी भी व्यक्ति को डिस्टर्ब न करें, ये आरती चलती है और चलती रहेगी, इसलिए इनको आप परेशान न करें। कल दिनांक 25 तारीख को लगभग दिन में 2 बजे आर्यम साहब ने 2 व्यक्ति को भेजा हमारे पास और कहा इसको अभी तक आपने गेट वगैरह उखाड़ा नहीं है, इसको उखड़वाइए, नहीं हमको मजबूरन उखड़वाना पड़ेगा। जिसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि शाम को लगभग 8:30 बजे आरती के बाद सीओ साहब अपने दल बल के साथ आकर के और हमारे गेट को तोड़ फोड़ करके गिरा दिया। हम इसके लिए डीएम साहब से भी मुलाकात करेंगे, जनता दरबार में मुख्यमंत्री साहब से भी मुलाकात करेंगे। मांग ना पूरी होने पर हम आमरण अनशन तक बैठने का प्रयास करेंगे। कृष्ण